ठीक है, मोलैरिटी में हम ग्राम्स की बजाय क्या लेते हैं, मोल्स, मोल्स पर लीटर या मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। और मोल्स में प्रॉब्लम हमें इसलिए नहीं होती कि हमारे पास अगर सॉलिड है तो भी हम उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लिक्विड है तो भी हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और गैस है तो भी मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सपोज हमारे पास 40 ग्राम NaOH है, Na का एटॉमिक नंबर कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 60, नाइट्रोजन का कितना है 1, टोटल कितना आया 40, 40 इसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को ही जब अपन ग्राम्स में ले लेते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, 1 मोल कहलाने लगता है, किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ही ग्राम्स में ले लें तो क्या कहलाने लगता है 1 मोल, वो ही ग्राम्स में ले लें तो क्या कहलाने लगता है 1 मोल। तो अब मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, सॉलिड हो तो भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूंगा, लिक्विड हो तो भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूंगा, गैस हो तो भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूंगा। सपोज मुझे दे दिया C2H5OH दे दिया तो 2 कार्बन का 24, 6 हाइड्रोजन का 6, 1 ऑक्सीजन का 6, 16, टोटल कितना हो गया 46। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर 46 है, 46 ग्राम्स में ले लेता हूं तो यही क्या कहलाने लगेगा 1 मोल। सपोज मेरे पास CO2 गैस है, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32, कितना हो गया 44, 44 को ही अगर मैं ग्राम्स में ले लेता हूं तो ये क्या कहलाने लगा। तो मुझे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, अब इससे फर्क पड़ना बंद हो गया। इसलिए स्ट्रेंथ हमारा बहुत जल्दी साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉलिड, तब हम मेजर कर पाते हैं किसमें, ग्राम्स में। मोलैरिटी में ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, आपको क्या निकालने, मोल्स निकालने। तो मोल्स हमारे पास कितने भी वेट दिया, सपोज हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है 24, और मैग्नीशियम हमें दिया है सपोज कितना 12 ग्राम्स, तो 12 ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या 24, ये कितने मोल हो गया 24 ग्राम्स, अगर 1 मोल होता है तो 12 ग्राम्स कितना होगा 0.5 मोल्स। तो मोल्स हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सब्सटेंस के वेट को डिवाइड कर दें उसके या तो एटॉमिक वेट से, या अगर मॉलिक्यूल है तो किससे, मॉलिक्यूलर वेट से, वही हमें क्या दे देता है मोल्स। तो मोलैरिटी में हम मोल्स ले रहे हैं, और मोल्स को हम क्या बोल सकते हैं, वेट इन ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/ वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलैरिटी का जो मेरे पास नया फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, मैंने मोल्स को किससे रिप्लेस कर दिया, मोल्स को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। तो मोलैरिटी में मोल्स लेना है, और मोल्स की जगह अपन हमेशा क्या ले लेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1/वॉल्यूम, जब वॉल्यूम सोल्यूशन का किसमें दिया। और याद रखना ये वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का है, सॉल्वेंट का नहीं है, एक बार तो लिख ही लो कम से कम मेरी खुशी के लिए कि ये वॉल्यूम किसका है, पूरे सॉल्यूशन का। तो कई बार तो हम चला लेते हैं कि सॉल्वेंट जितना वॉल्यूम दिया है उतना ही वॉल्यूम किसका मान लेते हैं, सॉल्यूशन का, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। इसलिए ये वॉल्यूम मोलैरिटी में याद रखेंगे कि ये वॉल्यूम हमेशा किसका रहेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा, सॉल्वेंट का नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसी में फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि मोल्स को तो अपन ने ले लिया वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या मॉलिक्यूलर वेट इंटू, अगर वॉल्यूम हमें दिया है सॉल्यूशन का किसमें, मिलीलीटर में, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे 1000। तो आज से अपन फाइनल फॉर्मूला जो मोलैरिटी का लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे कि मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, क्योंकि जनरली हम डील करेंगे किससे, मिलीलीटर से। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के मोल्स हमारे पास है, और मोल्स हमारे, अगर मोल्स नहीं है तो क्या रहेगा, वेट रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट हर चीज का फिक्स होता है, मॉलिक्यूलर वेट दी, अगर वेट दिया है तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से क्या निकाल लेंगे, मोल्स, और 1 लीटर में जितने भी किसी भी सब्सटेंस के मोल्स प्रेजेंट है वही उस सॉल्यूशन की क्या होगी, मोलैरिटी। यहां से मैं एक दूसरी बात कह सकता हूं कि अगर मुझे मोलैरिटी मालूम है और मुझे वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है लीटर्स में, तो यही मुझे क्या दे देगा,
मोल्स दे देगा, तो मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स चाहिए, और मोल्स निकालने हैं तो मोलैरिटी चाहिए। तो ये भी लिख लो, ये काम आएगा, मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। मोल्स कैसे निकालेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी सॉल्यूट के मोल्स निकालने तो उसकी मोलैरिटी अगर दी हुई है तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, मैं इसी फॉर्मूले का और क्या लिख सकता हूं, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स इंटू 1000 पर क्या, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मोलैरिटी में मोल्स वेट अपन मॉलिकुलर वेट नहीं दिया, अपन ने मोल्स को वेट अपन मॉलिकुलर वेट से रिप्लेस किया हुआ है, वो छोड़ दें, मोल्स के फॉर्म में ही लिखें। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स इंटू 1000 जब वॉल्यूम किस में दिया, मिलीलीटर्स में। ठीक है, अब यहां से देखना, इस फॉर्मूले से मैं क्या बोलूंगा कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, ये मोलैरिटी, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किसको ले गया, मैं वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स को इस तरफ ले गया, तो मेरे पास इस तरफ क्या बचेगा, मोल्स इंटू 1000। किसी भी चीज में 1000 मल्टीप्लाई करते हैं तो नाम में क्या लगा देते हैं, मिली लगा देते हैं, तो मोल्स इंटू 1000 को अपन क्या बोलेंगे, मिली मोल्स। तो वॉल्यूम जब किस में हो, मिलीलीटर में, और मोलैरिटी दी हो तो उसमें हम सॉल्यूट के क्या निकाल सकते हैं, मिली मोल्स निकाल सकते हैं, सॉल्यूट के क्या निकाल सकते हैं, मिली मोल्स। तो जब भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चन अपन करेंगे तो ये अपने को काम आने वाला है, जरा ध्यान रख लेना कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर विल बी इक्वल टू क्या, मिलीमोल्स। किसी भी सब्सटेंस के मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, किसी भी सब्सटेंस के मोल किसमें प्रेजेंट हो, जो वन लीटर में जितने भी किसी सब्सटेंस के मोल्स होते हैं वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात, हम यहां पे क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ द सब्सटेंस, और यहां क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम इन लीटर। क्या वेट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसी को अपन स्ट्रेंथ नहीं बोल रहे थे क्या, ग्राम्स पर लीटर, तो इतना पार्ट क्या हो गया, स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी को मैं स्ट्रेंथ से कैसे रिलेट करूंगा, कि मोलैरिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अपॉन क्या, मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोलैरिटी और किस में रिलेशन आ जाएगा, स्ट्रेंथ में रिलेशन आ जाएगा। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो मैं नहीं कह सकता, सोनी चश्मा लगाना। तो वेट अपॉन ग्राम्स पर लीटर, इसको अपन क्या डिफाइन कर रहे थे, स्ट्रेंथ, तो इतना पार्ट हो गया स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलैरिटी मतलब जनरल केस में बस इतनी कंसेप्ट से याद रखना कि मोलैरिटी किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उसके जितने भी मोल्स किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैरिटी, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैरिटी। ठीक है, तीसरी चीज नॉर्मैलिटी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे, एन से, ये लिख लिया था सारा। तो नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी में अपन लेंगे, मोलैरिटी में क्या ले रहे हैं, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मैलिटी में अपन लेंगे इक्विवेलेंट्स पर वॉल्यूम इन लीटर्स, इक्विवेलेंट्स, मोलैरिटी में मोल्स और नॉर्मैलिटी में इक्विवेलेंट्स। अब मोल्स को अपन क्या डिफाइन करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका क्या, मॉलिक्युलर वेट। तो इक्विवेलेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का वेट इन क्या, ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स क्या, इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो हमने मोल्स में लिखा था वेट अपॉन मॉलिक्युलर वेट, इक्विवेलेंट्स में हम लिखेंगे क्या, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स क्या, इक्विवेलेंट वेट।
ठीक। अब इक्विवेलेंट वेट में और मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस भैया? मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता है तो किसी चीज का है, निकाल सकते हैं ना, जितनी चीजें दी हो सबके एटॉमिक वेट जोड़ दो तो क्या आ जाता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता? ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जैसे मेरे पास NaOH है तो मैंने कहा Na का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, क्या आ गया 40। सामने देखिए 40 आ गया। अगर ये फिगर ही मैं किसमें ले लूं, ग्राम्स में, तो वो क्या कहलाने लगता है? 1 मोल कहलाने लगता है। ठीक है। मैं अगर 40 ग्राम से, तो वेट दिया है मुझे 40 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट है क्या 40, तो मोल कितने हो गए? तो मैं अगर मोल्स निकाल सकता हूं तो मुझे इक्विवेलेंट्स निकालने भी आने चाहिए। ठीक है। अब मोल निकालते में हम क्या कह रहे हैं, मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट में अपन कहते हैं जितने भी एटम्स हैं सबका वेट प्लस कर दो तो क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए NaOH से क्या अपन ने पूछा कि तू एसिड है कि बेस है, कि तू सॉल्ट है, कि तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि तू रिड्यूसिंग एजेंट है? अगर सॉल्ट है तो नॉर्मल सॉल्ट है कि एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है? क्या अपन ने पूछा कुछ भी इससे? मॉलिक्यूलर वेट में कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जितना कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो उसमें जितने एटम्स हैं उन सभी एटम्स का क्या करो, वेट को प्लस कर दो तो क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन इक्विवेलेंट वेट में ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट वेट में कहानी शुरू होती है क्या, कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। ये लिख लो, क्योंकि आज की क्लास में तुम्हें एन फैक्टर कैलकुलेट करने, क्या तुम्हें याद है? अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या लेंगे? इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हम किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, सारे एटम्स का वेट प्लस करके क्या निकाल देते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन इक्विवेलेंट वेट में मॉलिक्यूलर वेट के अलावा एक टर्म और है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एन फैक्टर। ठीक है। तो अब एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो लिखें, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर्स, तो तुम्हारी तो आज रिवीजन क्लास हो गई एक तरीके से। ठीक है। लेकिन याद रखना, पूरा रिकैप कर लोगे तो मुझे भी फायदा रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ क्या, एन फैक्टर्स। एन फैक्टर्स अपन किस किस में कैलकुलेट करते हैं लिख लो, एसिड्स में, बेसिस में, सॉल्ट्स में और रिडॉक्स एजेंट्स में। एन फैक्टर्स अपन कैलकुलेट करते हैं किस किस में, एसिड्स में, बेसिस में, सॉल्ट्स में और रिडॉक्स एजेंट्स में। या तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो या तो वो क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो। ठीक है। अब एसिड्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं लिख लें, एसिड्स। एसिड्स में एन फैक्टर रहेगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस। और मैं बता दूं, इस ईयर IIT में एक भी क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का नहीं था, एक भी क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का नहीं था, इसलिए इस साल जरूर आएगा, ये याद रखना। समझ गए? पिछले साल भी बहुत ढंग से नहीं पूछा, इस साल तो पूछा ही नहीं। 2010 में, मतलब 2011 में जरूर आएगा, ये याद रखना, इसलिए मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं इसमें, फिर से पूरा बता रहा हूं। तो एसिड्स में एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर के क्या कंसेप्ट है, एसिड्स में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या, एच प्लस आयंस। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपन। HCl एसिड है हमारे पास, इसमें कितने एच प्लस है देने के लिए, एक, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 1। इफ सपोज आई हैव H2SO4, कितने H प्लस है देने के लिए, 2। इसका N फैक्टर क्या हो गया, 2। H3PO4 मेरे पास अगर है तो इसमें कितने H हैं देने के लिए, 3। तो इसका N फैक्टर क्या हो गया, 3। ठीक है। तो
तो जितने भी क्या होते हैं रिप्लेसेबल H प्लस होते हैं किसमें, एसिड में, वही उस एसिड का क्या कहलाता है, एन फैक्टर। लेकिन यहां पे एक्सेप्शंस क्या है वो देखते चलें। एक है हमारे पास H3PO2, एक है हमारे पास H3PO3 और एक है हमारे पास H3PO4। स्ट्रक्चर बनाओ जरा जल्दी से, क्या अपन ने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, जल्दी बनाओ। H3PO4, फिर H3PO3 और H3PO2। इसमें नोट लिखें, इन ऑक्सी एसिड्स those hydrogens are considered as replaceable, which are attached to oxygen, but the hydrogens which are attached directly to central atom, which are directly attached to central atom are not replaceable। और n फैक्टर हमें बोलता है कि सिर्फ कितना होगा, जितने क्या होंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब देखो क्या ये HO से अटैच्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये H किस फॉर्म में निकल सकता है, H प्लस के फॉर्म में। ये H भी O से अटैच्ड है तो किस फॉर्म में निकल सकता है, H प्लस के फॉर्म में। और ये H भी किस फॉर्म में निकल सकता है, H प्लस के फॉर्म में। तो इसमें तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं और तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल भी हैं, इसलिए एन फैक्टर क्या है, 3। इसमें ये दो हाइड्रोजन्स जो हैं ये तो O से अटैच्ड हैं, तो दो तो किस फॉर्म में निकल सकते हैं, H प्लस के फॉर्म में। नोट अपन क्या लिख रहे हैं, बट हाइड्रोजन्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू क्या, सेंट्रल एटम। यहां पे सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस। अगर ये डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच्ड है तो ये रिप्लेसेबल नहीं है, तो इसमें रिप्लेसेबल कितने, 2। इसलिए एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो दिख रहे हैं कितने एच, 3, लेकिन एन फैक्टर सिर्फ क्या है, 2। तो ये एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद H3PO2 में ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये किस फॉर्म में निकल सकता है, H प्लस के फॉर्म में। तो ये रिप्लेसेबल है, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, तो इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1। तो ये पहली बात, तो दोनों एक्सेप्शन याद रखना है। H3PO2 में H दिखते हैं 3, लेकिन एन फैक्टर होता है 1। H3PO3 में H दिखते हैं 3, लेकिन एन फैक्टर होता है 2। H3PO4 में दिखते भी 3 है और होते भी 3 है, एन फैक्टर उसका क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस 2 है, एक H3PO2 और एक H3PO3, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस क्या है वो लिखो, स्टार लगा देना, एक बोरिक एसिड H3BO3 H3BO3 को मैं BOH होल थ्राइस लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर H3PO3 को मैं POH होल थ्राइस लिख लेता तो कोई प्रॉब्लम थी क्या? थी? अच्छा, ALOH होल थ्राइस भी तुमने कई बार सुना है, ठीक। मैं इसको H3ALO3 लिख लूं क्या? H भी तीन है, O भी तीन है और AL एक है, तो H3ALO3 लिख लेता हूं, ठीक है। खान साहब, ALOH होल थ्राइस को मैं H3ALO3 लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। H3PO3 को मैं POH होल थ्राइस लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। H3PO3 अभी अपन ने देखा एसिड है और एन फैक्टर देखा उसका कितना है, 2। हम कहते हैं कि जो चीजें OH देती हैं वो कौन होती हैं? बेस। तो NaOH को हम क्या बोलते हैं? बेस। H3PO3 जो चीजें H+ देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। तो H3PO3 लिखता हूं तो इसमें दिखता है H देता हुआ, तो हम बोलते हैं एसिड है। अगर मैं POH होल थ्राइस लिख लूं तो ये क्या देते हुए दिख रहा है? OH, तो ये क्या कहलाने लगा? तो तुम्हारे और मेरे कहने से एसिड और बेस अपना नेचर बदल लेंगे क्या? कि शर्मा जी ने POH होल थ्राइस लिखा है तो आज मैं बेस हूं, और आज इसने H3PO3 लिखा है तो आज मैं कौन हूं? इसको कोई प्रॉब्लम है? H3PO3 लिखें तो POH होल थ्राइस लिखने तो प्रॉब्लम हुआ ना, क्योंकि ये क्या दिखने लगा? बेस। अब H3PO3 को अगर मैं BOH होल थ्राइस लिख लूं तो प्रॉब्लम हुआ ना, क्योंकि वो क्या दिखने लगा? क्योंकि वो क्या दे सकता है? OH। ALOH होल थ्राइस हमेशा क्या देता है? OH। और मैं उसको लिख लूं H3ALO3 तो वो क्या देता हुआ दिखने लगा? तो वो तो एसिडिक जैसा दिखने लगा। दिखने लगा कि नहीं? तो अगर तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, अगर तुम्हें दिया H3PO3 तो तुम बोलोगे एसिड, तुम्हें दिया H3BO3 तो तुम बोलोगे एसिड, तुम्हें अगर दिया H3ALO3 तो तुम्हें क्या दिखने लगेगा? अगर तुम्हें दिया ALOH होल थ्राइस तो तुम बोलोगे बेस, अगर तुम्हें दिया BOH होल थ्राइस तो तुम बोलोगे बेस, तुम्हें दिया POH होल थ्राइस तो तुम बोलोगे बेस। अब है तो POH होल थ्राइस नहीं है, ये है कौन? तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन बेस और कौन एसिड? सिर्फ जस्ट रेज योर हैंड्स। और कोई नया स्टूडेंट, पुराने वालों में नहीं। हां भाई, तुम कैसे पहचानोगे? सिंपल एक ही कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास मेटल है, उसकी ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, कुछ भी हो, वो हमेशा क्या रहना है? बेसिक। और अगर हमारे पास नॉन मेटल है तो उसका हमेशा क्या रहना है? कंपाउंड एसिडिक रहना है, रिप्रेजेंटेशन चाहे जो हो। रिप्रेजेंटेशन से नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हमारे पास क्या है? बी एल कौन है? मेटल। मेटल है तो ये हमेशा क्या बनाएगा? बेसिक कंपाउंड्स बनाएगा। तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? ALOH होल थ्राइस, क्योंकि वो OH देगा। लेकिन अगर H3ALO3 लिखा हुआ अभी आए तो गलती कुछ नहीं है, लेकिन वो हमें पहचान में आना चाहिए कि ये एसिड नहीं है, ये रहेगा क्या? बेस ही रहेगा। वो रिप्रेजेंटेशन बदल के दे तो अपने को कुछ नहीं बदलना। उसके बाद फॉस्फोरस क्या होने? फॉस्फोरस कौन है? नॉन मेटल। इसको किसी भी फॉर्म में दें, ये रहेगा क्या? तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ज्यादा कन्वीनियंट है? H3PO3 के। ये कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हें OH दिखाने की कोशिश करें तो तुम OH देखना मत। ये शांतनु बहुत शांत हो गए, इधर देखिए, स्कूल खुल गए तेरे है? नहीं खुले अभी तो क्या यहां पे फिर तेरे लिए विशेष व्यवस्था करवानी पड़ेगी? तो POH होल थ्राइस अगर दें तो भी फास्फोरस, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो कंपाउंड कैसा बनाएगा? एसिडिक। भले तुम्हें क्या दिखाने की कोशिश करें? OH। तुम OH मत देखना, तुम उसमें देखना क्या? H3, क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा? एसिडिक, क्योंकि वो कौन है? नॉन मेटल। AL मेटल है तो वो हमेशा क्या रहेगा? तो तुम बनाने की कोशिश करना ALOH होल थ्राइस। अगर H3ALO3 दें तो भी तुम उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कभी एसिडिक फॉर्म में नहीं रहेगा। बोरॉन कौन है? नॉन मेटल की मेटल? नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो क्या रहेगा? एसिडिक। BOH होल थ्राइस लिख देने से फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा कैसा? एसिडिक, क्योंकि बोरॉन एक क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल हमेशा क्या बनाएंगे? नॉन मेटल हमेशा क्या बनाएंगे?
एसिडिक कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मैं H3BO3 को BOH होल थ्राइस लिख भी देता हूं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं दिखने लगना चाहिए कि ये बेस हो गया, वो रहेगा एसिड ही। वो तो तीन एच है और तीन ओ है, तो हमने OH होल थ्राइस लिख लिया और कुछ नहीं, ठीक। अपन बात कर रहे हैं एन फैक्टर की, H3BO3 का एन फैक्टर तुम किसी भी लिहाज से देखोगे तुम्हें तीन ही दिखेगा। अगर तुम H3BO3 देखोगे तो तीन एच दिखेंगे, और BOH होल थ्राइस लिखोगे तो उसमें भी OH कितने दिखेंगे, तीन ही दिखेंगे। तो तुम्हें लगेगा कि इसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए, थ्री। लेकिन एक्चुअली इसकी रिएक्शन लिखो कि BOH होल थ्राइस है और इसको हमने डाला वाटर में, तो वाटर को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, H प्लस और OH नेगेटिव से। लिखना, लिख लिया। BOH होल थ्राइस को अपन ने लिखा किसमें डाला, वाटर में। अब BOH होल थ्राइस ने एक क्या कैप्चर कर लिया, OH नेगेटिव, तो ये बना लेगा BOH होल 4, और BOH होल 4 वाटर में से OH नेगेटिव चला गया तो बचा क्या, H पॉजिटिव, तो एक क्या बचा, H पॉजिटिव। मतलब क्या है कि अगर मैं एक मोल BOH होल थ्राइस लेता हूं तो मुझे सॉल्यूशन में H प्लस आयन भी कितने मिलते हैं, वन मोल ही मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं एक मोल HCl लेता हूं वाटर में डालता हूं तो वाटर में HCl डिसोसिएट होकर क्या देता है, H प्लस और Cl नेगेटिव। आप इसको H3O प्लस भी लिख सकते हो क्योंकि वाटर में ऐड होकर H प्लस क्या बन जाएगा, H3O प्लस। मैं कन्वीनियंस के लिए क्या कहता हूं कि एक मोल अगर तुमने HCl लिया है वाटर में डाला है तो H प्लस भी कितने प्रोड्यूस हुए, एक। इसलिए तुम कहते थे कि इसका एन फैक्टर क्या है, वन। अब सेम कंसेप्ट वही मैं कह रहा हूं कि एक मोल BOH होल थ्राइस लिया है तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितने फ्री हुए, वन मोल ही हुए ना, इसलिए बोरिक एसिड का एन फैक्टर भी क्या कहलाएगा, वन। तो थ्री ना तो H देख के होगा ना OH देख के होगा, इसका एन फैक्टर क्या रहेगा, वन। इसका एन फैक्टर क्या रहने वाला है, वन रहने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, बाकी एसिड्स और इस एसिड में क्या फर्क है, इस एसिड में मैंने कहा कि HCl जब वाटर में गया तो डिसोसिएट हो गया किस में, H प्लस और Cl नेगेटिव में, मतलब बाकी एसिड्स को वाटर तोड़ देता है, लेकिन बोरिक एसिड वाटर को तोड़ देता है, वो H प्लस किसका फ्री करता है, वाटर का, जबकि बाकी एसिड्स में वाटर एसिड का H प्लस फ्री कर देता है। तो बोरिक एसिड इस लिहाज से भी डिफरेंट है कि बाकी एसिड्स वाटर में टूट जाते हैं और बोरिक एसिड वाटर को तोड़ देता है, तो वाटर को तोड़ के क्या करता है, H प्लस बनाता है, लेकिन इसका एक मोल H प्लस फ्री करता है, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या कहलाता है, वन। तो टोटल तीन एक्सेप्शन है हमारे पास, एक H3PO2, एक H3PO3, H3PO4 एक्सेप्शनल नहीं है क्योंकि उसमें H दिखते भी कितने और होता भी एन फैक्टर क्या है, लेकिन H3PO2 में दिखते कितने, तीन, निकलता कितना है, एक। H3PO3 में दिखते कितने, तीन, निकलते कितने, दो। और बोरिक एसिड में दिखते भी तीन है, H के तरफ से भी OH के तरफ से भी, लेकिन वो क्या फ्री करता है, H प्लस आयन, और एक मोल डालने पर कितना फ्री करता है, एक मोल, इसलिए एन फैक्टर क्या कहलाएगा, वन, ठीक है। तो बोरिक एसिड खास तौर से याद रखना कि इसका एन फैक्टर क्या है, वन। बाकी और कोई एक्सेप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं होना। उसके बाद हेडिंग डालेंगे एन फैक्टर्स फॉर बेसिस। एसिड्स की बात कर ली अपन ने, अब अपन बात करेंगे किसकी, बेसिस की। बेसिस में एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। मुझे एक चीज बता सकते हो, BOH होल थ्राइस में OH नेगेटिव आके कैसे जुड़ गया, AlOH होल थ्राइस में OH नेगेटिव आके जुड़ सकता है क्या, BOH होल थ्राइस में OH नेगेटिव आके जुड़ कैसे गया, सोनी जी जरा प्रकाश डालें इस पे, BOH होल थ्राइस में एक OH नेगेटिव आके कैसे जुड़ गया यार, ये हर कंपाउंड में तो ये क्वालिटी नहीं है। पहली बात तो ये क्या बना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अपन ने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर, कॉम्प्लेक्स बन गया, ये क्यों बन गया, क्या प्रॉपर्टी है BOH होल थ्राइस की, ये बन गया, राजदीप बोल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन, BOH होल थ्राइस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
कैसे मालूम? एसिडिक वैसिडिक कौन सा? लुइस एसिडिक है? नहीं नहीं, अपन तो अभी कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? आरिनियस पढ़ रहे हैं ना अभी तो, कि वो H प्लस देने वाला कौन? सोल्यूशन में, वाटर में, एक्वस सोल्यूशन में जो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ा दे वो एसिड, तो ये कौन सा कंसेप्ट है? आरिनियस है ना ये तो, कौन सा कंसेप्ट है? आरिनियस। H प्लस देने वाला एसिड और OH नेगेटिव देने वाला बेस, ये तो किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं अपन? आरिनियस की बात कर रहे हैं ना। अभी तू कह रहा है कि ये लुइस एसिड है, कह रहा था क्या कि कोई और कह रहा था? मैंने सुन लिया, लुइस एसिड बोल रहा था क्या तू? नहीं बोल रहा था। तू क्या बोल रहा था वो बोल? बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कैसे? बी है और क्या है? ओएच ओएच ओएच। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। कॉन्फिगरेशन क्या है? 2-3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और 3 उसने शेयर किए, कितने हुए? 6। क्या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन या एक पेयर जो ले लेता है वो कौन है? लुइस एसिड। तो ये वाटर में H प्लस आयन बढ़ाता है, इसलिए ये एक आरिनियस एसिड भी है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ले सकता है इसलिए ये लुइस एसिड भी है। क्या सुबह जैन साहब पढ़ा अपन ने? BF3 इज अ लुइस एसिड, BBr3 इज अ लुइस एसिड, BCl3 इज अ लुइस एसिड। तो BOH होल थ्राइस भी क्या है? लुइस एसिड। उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने किसको अटैक किया? OH नेगेटिव को। नेगेटिव मतलब इसके पास क्या थे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो क्योंकि ये लुइस एसिड है इसलिए इसने क्या किया? OH नेगेटिव ले लिया। तो इसी रिएक्शन में इसका आरिनियस कंसेप्ट से भी क्या प्रूव होती है? एसिडिटी। और लुइस कंसेप्ट से भी क्या प्रूव होती है? एसिडिटी। तो BOH होल थ्राइस बोरिक एसिड क्या करता है? लुइस एसिड भी है और आरिनियस एसिड भी है। इट इज बोथ अ लुइस एसिड एंड एन आरिनियस एसिड। बहुत बढ़िया पॉइंट है, लिख लो कि BOH होल थ्राइस इन वाटर बिहेव्स बोथ एज एन आरिनियस एसिड। BOH होल थ्राइस इन वाटर बिहेव्स बोथ एज लुइस एसिड, बिहेव्स बोथ एज लुइस एसिड एंड आरिनियस एसिड। बेसेस में एनफेक्टर अपन क्या बोल रहे हैं कि किसी भी बेस में जितने OH नेगेटिव आयन होंगे रिप्लेसेबल, वो उसका क्या होगा? एनफेक्टर। NaOH अगर है, कितने OH नेगेटिव दे सकता है? 1। तो N फैक्टर क्या हो गया? 1। अगर हमारे पास है MgOH होल ट्वाइस, कितने दे सकता है OH? 2। N फैक्टर क्या हो गया? 2। AlOH होल थ्राइस है, कितने OH दे सकता है? 3। N फैक्टर क्या हो गया? 3। PbOH होल 4 है, कितने OH दे सकता है? 4। N फैक्टर क्या हो गया? 4। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए जितने OH दिखे वही उसका बेस का क्या है? एन फैक्टर। वही बेस का क्या है? एन फैक्टर। फिर बात आई किसकी? सॉल्ट्स की, कि सॉल्ट्स में एन फैक्टर क्या होंगे? अब सॉल्ट है तो सॉल्ट में पहले तो बात करनी पड़ेगी कि सॉल्ट 3 तरीके के, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और क्या? बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं लिख लो, डेफिनेशन लिख लो पहले। आयनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव, आयनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव H प्लस इन पॉजिटिव पार्ट, H प्लस इन पॉजिटिव पार्ट और OH नेगेटिव इन नेगेटिव पार्ट। आयनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव H प्लस इन पॉजिटिव पार्ट एंड OH नेगेटिव इन नेगेटिव पार्ट आर नॉर्मल सॉल्ट्स, आर नॉर्मल सॉल्ट। जैसे NaCl, जैसे Na2SO4, जैसे Na3PO4, जैसे Na2CO3, K2CO3,
इसमें पॉजिटिव पार्ट में ना तो H प्लस हो और नेगेटिव पार्ट में ना OH माइनस हो, ऐसे सारे सॉल्ट्स क्या हैं? नॉर्मल सॉल्ट्स, ठीक है। और नॉर्मल सॉल्ट्स में N फैक्टर का कंसेप्ट क्या रहेगा? इधर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अब किसी भी कंपाउंड में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नेगेटिव। तो या तो क्या गिन लो, पॉजिटिव वाले, या क्या गिन लो, नेगेटिव वाले, वही उसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। अब NaCl का एन फैक्टर क्या होगा? 1। Na2SO4 में नेगेटिव 2 है, पॉजिटिव भी 2, Na पे 2, एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। Na3PO4 में PO4 पे 3 नेगेटिव है और 3 Na पे 3 पॉजिटिव है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने? 3। या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने? 3। तो एन फैक्टर क्या हो गया? 3। Na2CO3 में एन फैक्टर क्या होगा? 2। K2CO3 में एन फैक्टर क्या होगा? 2। किसी भी नॉर्मल सॉल्ट में या तो क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, या क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो वही उसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। तो नॉर्मल सॉल्ट कौन होते हैं? ना तो पॉजिटिव पार्ट में H प्लस हो, ना ही नेगेटिव पार्ट में OH नेगेटिव हो, ऐसे सॉल्ट को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्ट। उसके बाद अपन बात करें किसकी? एसिडिक सॉल्ट की। डेफिनेशन लिखो, इफ सम अदर कैटायन इज प्रेजेंट, इफ सम अदर कैटायन इज प्रेजेंट अलोंग विद रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, इफ सम अदर कैटायन इज प्रेजेंट अलोंग विद रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, रिप्लेसेबल H प्लस आयंस इन पॉजिटिव पार्ट देन दे आर एसिडिक सॉल्ट्स, देन दे आर एसिडिक सॉल्ट्स। जैसे हमारे पास है NaHSO4, अगर सिर्फ और सिर्फ कौन है? H2SO4। तो इसके पॉजिटिव पार्ट में तो H ही है सिर्फ, और पॉजिटिव पार्ट में सिर्फ और सिर्फ H है, तो ये एसिड है, सॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव पार्ट में रिप्लेसेबल H भी हो और कोई और कैटायन भी हो, तो फिर वो एसिड नहीं है, वो कौन है? एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट में N फैक्टर का कंसेप्ट वही रहेगा जो किस में रहता है? एसिड्स में। क्या? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। एसिडिक सॉल्ट में भी N फैक्टर का फंडा वही है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। तो NaHSO4 में N फैक्टर क्या होगा? 1। ठीक है, सपोज मेरे पास है Na2HPO4, N फैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि इसमें कितने रिप्लेसेबल H प्लस दिख रहा है? 1, N फैक्टर 1। अगर मेरे पास है Na2HPO3, N फैक्टर क्या होगा? जितने लोग 1 बोल रहे हैं वो ऐसा लिख के बॉक्स बनाएं और क्रॉस कर लें। इसी दिन के लिए H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाया है अपन ने। पहले तो Na2HPO3 लिखो और N फैक्टर 1 लिखो और बॉक्स बना के क्रॉस कर दो। सोनी जी, बॉक्स बना के क्रॉस कर दो। अब देखो Na2HPO3 ये किसका डेरिवेटिव माना जाएगा? H3PO3 का। H3PO3 का स्ट्रक्चर अपन ने क्या बनाया था? H3PO3। क्या ये H रिप्लेसेबल है? है, क्योंकि किससे जुड़ा है? O से। क्या ये H रिप्लेसेबल है? है, किससे जुड़ा है? O से। क्या ये H रिप्लेसेबल है? नहीं, किससे जुड़ा है? सेंट्रल एटम से। तो ये H रिप्लेसेबल नहीं है। अब तुमने इसकी रिएक्शन 2 मोल NaOH से कर दी, क्या निकला? NH2O। क्या निकला? H2O। यहां क्या सब्सटीट्यूट हो गए? Na। क्या बनेगा? ये H तो 3 मोल से भी करोगे तो भी ये H तो रिप्लेस होने वाला है नहीं, तो क्या बना? H। और इधर कौन आ गया? ONa। इधर कौन आ गया?
ONA, तो ये क्या बना Na2HPO3। अब दो H replaceable थे, उनको तो तुम replace कर ही चुके, और जो H तुम्हें दिख रहा है झागता हुआ, वो H तो है लेकिन replaceable नहीं है। तो ये H होते हुए भी replaceable नहीं है, और अगर ये replaceable नहीं है तो ये acidic salt भी नहीं है, क्योंकि ये H plus नहीं दे सकता। अगर ये acidic salt नहीं है तो फिर कैसा salt है? Normal salt है, और normal salt में जितने negative या जितने पॉजिटिव उतना उसका क्या एन फैक्टर। तो Na2HPO3 का एन फैक्टर 1 नहीं होगा। तेरी समझ में आया क्यों नहीं होगा? एन फैक्टर 1 नहीं होगा, क्योंकि ये जो एच है ये एसिडिक नहीं है। सॉरी, क्या हुआ? क्या 2 होगा? नहीं नहीं, तुम समझे नहीं भावनाओं को। वो रिप्लेसेबल नहीं है, वो H प्लस के फॉर्म में नहीं निकल सकता, लेकिन कंपाउंड का चार्ज तो देखना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कह रहा हूं मैं कि यहां पे H की ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस वन ही रहती है ना, वो निकल नहीं सकता, वो एक अलग बात है। PO3 पे चार्ज क्या रहता है? 3 नेगेटिव, उसको स्टेबलाइज करने के लिए चार्ज कितना चाहिए? 3 पॉजिटिव। वो नॉर्मल सॉल्ट है ना, नॉर्मल सॉल्ट में भी वो निकले चाहे नहीं निकले, उसका चार्ज कितना मानोगे? प्लस वन मानोगे। ये भी समझ लेना, मतलब ये भी अपना दिमाग मत लगा लेना कि वो तो पॉजिटिव का फॉर्म नहीं रहेगा। अरे वो रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन चार्ज बैलेंस करने के तो काम आएगा ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अपन क्या मानते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ, चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं क्या? है, चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जयेश बोलना। यस, इट इज दैट इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एटम विच रिमेन्स ऑन इट व्हेन ऑल द अदर एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। तुमने बहुत छोटेपन में CH4 में C की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली होगी, तो तुमने क्या कहा होगा कि C की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो C को क्या मान लिया? X। और एक हाइड्रोजन पे चार्ज क्या मानते हो? 1 प्लस। तो चार हाइड्रोजन पे कितना? 4। तो और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू क्या? 0। तो x इक्वल टू क्या? -4। तो क्या मीथेन का एसिड होता है क्या? मीथेन एसिड होता है क्या? मीथेन एसिड तो नहीं होता, वो H प्लस तो नहीं देता। चाहे पानी में डाल दो चाहे जिसमें डाल दो, H प्लस तो नहीं देगा, लेकिन चार्ज तो हाइड्रोजन का प्लस 1 ही मानोगे ना, तब तो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी। तो यहां मॉलिक्यूल में चार्ज तो 1 मानोगे ना, मगर वो हमें मालूम है कि वो रिप्लेसेबल नहीं है, इसलिए वो एसिडिक सॉल्ट नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 1 रहेगी ना, क्योंकि वो उसका क्या है? इमेजिनरी चार्ज है। वो उसका क्या है? हाइपोथेटिकल चार्ज है। अरे PO3 पे तो 3 नेगेटिव ही चार्ज रहता है ना, फॉस्फाइट फॉस्फेट 3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे एन फैक्टर क्या रहेगा? 3। तो ये भी समझ लेना, तुम्हें एच रिप्लेसेबल नहीं है इसलिए ये एसिडिक नहीं है, लेकिन एच का ऑक्सीडेशन नंबर तो लोगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कंपाउंड में कितने? 3। या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कितने? 3। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 3 या पॉजिटिव चार्जेस 3 है, इसलिए एन फैक्टर क्या है? 3 है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लो, इसमें सपोज तुम्हारे पास है NaH2PO3। अरे समझ में आया कि नहीं? है सपोज तुम्हारे पास क्या है? NaH2PO3। कहां से निकाला होगा इसको? H3PO3 से। एक H को तुमने रिप्लेस कर दिया किससे? Na से। अब कितने H बचे हुए? 2 बचे। एक कौन सा है? रिप्लेसेबल, और एक कौन सा है? नॉन रिप्लेसेबल। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक भी रिप्लेसेबल H है तो वो सॉल्ट कैसा कहलाएगा? एसिडिक, और एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। तो इसमें एसिडिक H कितने? 1। इसलिए इसका N फैक्टर क्या होगा? दिख रहा है H कितने? 2। लेकिन N फैक्टर कितना है? 1। नेक्स्ट Na2HPO4 कर चुके हैं क्या अपन? तो NaH2PO4 कर लो। NaH2PO4, PO4 देखते ही समझ जाओ कि ये कहां से निकाला होगा? H3PO4 से। अब कितने Na? मतलब एक H को हम रिप्लेस कर चुके हैं किससे? Na से। अब कितने H है? 2। और दोनों कैसे?
रिप्लेसेबल, दोनों रिप्लेसेबल है, तो ये सॉल्ट कैसा है? एसिडिक, और एसिडिक है और दोनों एच एसिडिक है, इसलिए एन फैक्टर कितना होगा? टू। तो कहीं पे भी धोखा करेंगे अगर, तो या तो H3PO2 या उसके डेरिवेटिव में करेंगे, या H3PO3 और उसके डेरिवेटिव में करेंगे, और करेंगे जरूर अगर करेंगे तो, अगर क्वेश्चन आया तो ये इसी पे करेंगे। समझ रहे हो पांडे जी? ऐसा। तो ये हमारी बात हुई किसकी? नॉर्मल सॉल्ट की, और साथ में ही किसकी बात हो गई? एसिडिक सॉल्ट की भी। ठीक है, फिर आया कौन? बेसिक सॉल्ट। तो हेडिंग डालो बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में लिखें कि इफ सम एनायन इज प्रेजेंट अलोंग विद OH नेगेटिव, इफ सम एनायन इज प्रेजेंट, इफ सम एनायन इज प्रेजेंट अलोंग विद OH नेगेटिव, देन इट इज नोन एज बेसिक सॉल्ट, then it is known as basic salt. अगर PbOH होल 4 है और negative part में सिर्फ और सिर्फ कौन है? OH, तो ये क्या हो गया? base. लेकिन अगर OH के साथ साथ कोई और anion भी present है, दो negative ये, total 4 positive ये, OH के साथ साथ अगर कोई और anion भी present है, तब ये क्या कहलाएगा? basic सॉल्ट। तो बेस और बेसिक सॉल्ट अलग, एसिड और एसिडिक सॉल्ट अलग। अगर पॉजिटिव पार्ट में सिर्फ एच है तो एसिड, एच के साथ कुछ और भी है तो एसिडिक सॉल्ट, और एच दिखे तो वो रिप्लेसेबल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है H3PO3 और H3PO2 के डेरिवेटिव के केस में। अब PbOH होल ट्वाइस Cl2 है, तो एन फैक्टर का इसमें कंसेप्ट वही है जो बेस में होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। अब PbOH होल ट्वाइस Cl2 में कितने OH दिख रहे हैं? दो, तो इसका एन फैक्टर क्या रहेगा? टू। सपोज हमारे पास है AlOH होल ट्वाइस Cl, कितने OH दिख रहे हैं? दो, तो एन फैक्टर क्या रहेगा? टू। और क्योंकि बेस में कोई एक्सेप्शन नहीं था, इसलिए बेसिक सॉल्ट में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो एक्सेप्शन सिर्फ किस में? H3PO2, H3PO3 और H3BO3 बोरिक एसिड में। ठीक, तो बेसिक सॉल्ट में ये हमारे पास हो गए एन फैक्टर्स। चौथा पार्ट एन फैक्टर निकालने के लिए क्या है? रिडॉक्स एजेंट्स। तो हेडिंग डाल लो एन फैक्टर्स इन रिडॉक्स एजेंट्स। एन फैक्टर्स इन रिडॉक्स एजेंट्स, ठीक है। इसमें एन फैक्टर लिखो, इट इज द ट्रांसफर ऑफ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, चाहे रिडक्शन में चाहे ऑक्सीडेशन में, वही उनका क्या होगा? एन फैक्टर। ठीक है, सपोज मैंने लिया एग्जाम्पल K2Cr2 या पहले KMnO4 ले लेता हूं। सपोज मैंने लिया KMnO4, इसको मैंने एसिडिक मीडियम में डाला, ये कन्वर्ट हो गया Mn+2 में। इसमें हमें एन फैक्टर निकालना है, तो Mn की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, वो K का 1, Mn का X, एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या मानते हैं अपन? -2, तो चार पे क्या हो गया? -8। मॉलिक्यूल पूरा क्या है? न्यूट्रल, इसलिए इक्वल टू क्या? जीरो। तो Mn पे चार्ज क्या आ गया? +7। एसिडिक मीडियम में अपन जब भी KMnO4 को डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? Mn+2 में। अब ये +7 से किस में जा रहा है? +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन है? 5। या कितने आयंस का लॉस है? 5 का है, +7 था, मतलब 7 दिए हुए थे,
और अब प्लस टू रह गया, मतलब दो ही दिए हुए, मतलब वापस कितने ले लिए, पांच, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, फाइव। इसलिए KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना रहेगा, फाइव, और ये हमेशा रहेगा। अगर एसिडिक मीडियम है तो वो प्लस सेवन से प्लस टू में ही कन्वर्ट होगा, ये फिक्स है। तो KMnO4 का एन फैक्टर इन एसिडिक मीडियम इज ऑलवेज फाइव, एसिडिक मीडियम। और ये भी याद रखना कि ये प्लस सेवन से हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, प्लस टू में, अगर मीडियम क्या है, एसिडिक। इसी में दूसरा लिखो कि अगर न्यूट्रल मीडियम है तब ये कन्वर्ट होता है Mn प्लस फोर में। न्यूट्रल मीडियम दिया हो या H2O दिया हो या एक वर्ड का यूज किया गया हो, क्या स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन, या तो वाटर दिया हो तो अपन न्यूट्रल मीडियम बोल सकते हैं। अगर न्यूट्रल मीडियम नहीं भी दिया हो तो क्या दिया होगा, स्लाइटली एल्कलाइन। तो KMnO4 न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्लस सेवन से प्लस फोर में। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, तीन, तो एन फैक्टर क्या हो गया, थ्री। तो एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में KMnO4 का हमेशा क्या होगा, फाइव, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, थ्री, क्योंकि वो प्लस सेवन से कहां जा रहा है, प्लस फोर। प्लस सेवन से प्लस फोर जाना या प्लस सेवन से प्लस टू जाना, क्या ये लॉस ऑफ आयन कहलाएगा, लॉस ऑफ आयन बाय डेफिनेशन क्या होता है, रिडक्शन। तो एसिडिक मीडियम में Mn रिड्यूस हो रहा है प्लस सेवन से किस में, प्लस टू में, रिड्यूस हो रहा है प्लस सेवन से प्लस टू में, ठीक है। अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये सामने वाले को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो